Chalo ji, let's go to Khunjrab. Maza aa gaya is road pe aake. स्लाइडें तो यहाँ रोज का मामूल है ना, ये तो वो कहते हैं कि जी 100 साल लगेंगे कराकोरम को सेटल होने में, क्योंकि इसको बनाने के लिए इतने पता नहीं कितने हजार टन डायनामाइट यूज हुआ है, जिसके शॉक वेव से सराउंडिंग में जो माउंटेन्स हैं और रॉक्स हैं ये वीक हो गए। चाइनीज ने तमाम स्लाइडिंग एरियाज के ऊपर ये टनल बनाए हुए ताकि वो सीधा वहां से दरिया में ही गिरे। तकरीबन आप पुरसकून आएंगे, तकरीबन 1.5 घंटे लगते आने में और इसी तरह वापस जाने में। ये खुंजराब का रास्ता खुंजराब की तरफ, और खुंजराब रिवर अभी भी फ्रीज हुआ है, नीचे नीचे पानी चल रहा है लेकिन खुंजराब रिवर फ्रोजन है। नीचे और इससे भी नीचे दर्जनों चढ़ाइयां जो खुंजराब की तरफ आती हैं। सुस्त ये रोड, ये चढ़ाइयां सारी सब। ये हैं जी यहाँ पर यॉक्स, गाड़ी में पीछे पटाखों की आवाजें आ रही हैं क्योंकि ग्राउंड प्रेशर कम हो गया है, तकरीबन 14,000 बुलंदी आ गई है, तो चिप्स के पैकेट जो हैं वो फट गए होंगे। देखते हैं क्या किया। ड्रॉप रिवर पूरा जमा हुआ है। हाँ ये है कि बीच बीच में मेल्ट हो रहा है और पानी चल रहा है। खुंजराब का चाइनीज का बॉर्डर है और ये गंदबला हमारा है, और 1984 में जब मैं यहाँ आया था माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग पे उस वक्त, तो यकीन मानिए कुछ नहीं था, सिर्फ एक पत्थर था और एक बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था खुंजराब, बस। और ये है अराउंड 15,000, वो ऊपर चाइना का बॉर्डर है जो उन्होंने फेंसिंग की हुई है। ये सारी फेंसिंग है, इसके उस तरफ चाइना है।
के लिए यहाँ चाय। निकाल दी है हाई अल्टीट्यूड पे चाय उबलती नहीं, बस ये इस तरह इस तरह ये तैयार हो गई। क्या हिसाब से पूरा कप बनाया मैंने, वेरी गुड। बर्फीली हवाएं और गरम गरम चाय। यहाँ आते हैं तो इसका शिकार किया जा सकता है।